राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए। राकेश जी बहुत बहुत स्वागत है। सर सनातन के मुद्दे पर पहले से ही सियासत हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बयान दिया तो आप कहीं ना कहीं सियासी संग्राम में आप और तेज धार कर से हमले करेंगे विपक्ष पर, और उन्होंने एक नया नाम दिया इंडी गठबंधन। तरीके से जिस तरह से लगातार ये गठबंधन जो नया बना है, गठबंधन के तमाम नेता बारी बारी से सनातन का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये केवल कोई डीएमके का या स्टालिन का अकेला बयान नहीं है। आप अगर देखेंगे तो दिल्ली के आम आदमी पार्टी के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम हो, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य हो, या स्वयं प्रियंका खड़गे और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान, राहुल गांधी के बयान, ये सारे बयान स्पष्ट कर रहे हैं, ये सब मिलजुल करके सनातन को, हिंदू को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पूरे चुनाव को सकारात्मक, जो चुनाव में विकास के मुद्दे पर बहस होनी चाहिए उसको डिरेल करके इस पूरे मामले को कैसे विषाक्त बनाया जा सके, कैसे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जा सके, कैसे विकास पर चर्चा न होने पाए, ध्रुवीकरण की तरफ चुनाव जाए, लगातार ये इंडी गठबंधन प्रयास कर रहा है, ये घमंडिया गठबंधन प्रयास कर रहा है, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं होगा। देश का चुनाव देश के विकास। राकेश जी आज से फिर आप इंडी गठबंधन ही बोलेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो लाइन दे दी आप लोगों को। अब निश्चित तौर पर ये इंडी गठबंधन हम लोग पहले भी कह रहे हैं, ये कई डॉट्स वाला गठबंधन है जो अपने आप को इंडिया घोषित करने का प्रयास कर रहे हैं, ये वास्तविकता में डॉट्स के साथ का गठबंधन है, ये इंडी गठबंधन है, ये घमंडिया गठबंधन है, और इस गठबंधन की गांठें आप चुनाव तक खुल जाएंगी, ये पूरा गठबंधन धूल धूसरित हो जाएगा। इस गठबंधन में कोई वैचारिक साम्यता नहीं है, इनकी कोई नीति नहीं है, नेता ये तय नहीं कर पाए हैं अभी तक, बार बार बैठकें कर रहे हैं लेकिन बैठकों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा जो मुख्य बात है उस पर कोई बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए गठबंधन की गांठें खुल जाएंगी, ये इंडी गठबंधन का एंड हो जाएगा, ये स्पष्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े, जो कह रहे हैं कि ये इंडी गठबंधन है, क्योंकि ये इंडिया गठबंधन आपने आपको कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये सनातन धर्म की संस्कृति पर प्रहार कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात पीएम मोदी की जो रही, आपको बता दें पीएम मोदी ने जो बातें कही वो सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं, और एक नया नाम कर दिया उन्होंने। अब तक घमंडिया गठबंधन बोलते थे लेकिन अब उन्होंने इंडी अलायंस इसका नाम रख दिया है, और जो अब बीजेपी नेताओं की जुबान पर देखने को मिला, और जिस तरह बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी भी इंडी गठबंधन कहकर इंडिया गठबंधन को संबोधित कर रहे थे। तो बड़ी खबर, देश को गुलामी में धकेलना चाहते हैं इंडी गठबंधन, पीएम मोदी ने कहा इनसे सतर्क रहने की जरूरत। चलिए दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व डिप्टी सीएम हैं हमारे साथ, और अब मौजूदा वक्त में सांसद भी हैं। सर पहले तो आपको बधाई कि आप नव निर्वाचित सांसद भी हैं, और दूसरा सर अब पीएम मोदी ने एक नई लाइन दी है इंडिया गठबंधन को, वो पहले घमंडिया गठबंधन कहते थे, लगा अब वो कह रहे कि इंडी गठबंधन है ये, और सनातन धर्म को समाप्त करना चाहता है। और अब शब्दों भरी रास्ता का इस्तेमाल किया है घमंडिया के एक प्रमुख घटक ने, और उसके कांग्रेस समाजवादी पार्टी और आरजेडी और जेडीयू ने इसकी आलोचना ना करके बल्कि उनको प्रोत्साहन दिया है। ये इस बात का प्रतीक है कि सब मिलकर एक प्रकार से यहाँ की जो भारतीय संस्कृति और विरासत है, जो यहाँ की सांस्कृतिक पहचान है, उसको ये समाप्त करना चाहते हैं। इसकी शुरुआत बंगाल से की थी, अब बंगाल के बाद ये डीएमके का जो शासित राज है वहां पर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं, बल्कि यहाँ पर लोगों पर इस प्रकार का आक्रमण होता है। केरला में हमारी संस्कृति को नष्ट करने के प्रयास हो रहे हैं। जहां जहां इनका वर्चस्व बढ़ता है वहां वहां इनका पहला जो प्रहार होता है वो भारत की सांस्कृतिक विरासत पर होता है, और प्राचीनतम जो हमारी संस्कृति पहचान है सनातन संस्कृति, उस पर ही आघात करते हैं। कांग्रेस इसलिए दोषी है कि कांग्रेस ने पहले ही जो शासन में थे तो उन्होंने लिख कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में, कि राम जी का अस्तित्व नहीं है, राम जन्मभूमि का पता नहीं है, ये राम सेतु बंद रामेश्वरम है नहीं, इसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं है। इस प्रकार की भाषा और इस प्रकार तो दिनेश जी सनातन एक बड़ा इशू रहेगा क्या 2024 में? फिर आज ये लोग इनका इनके समर्थक इनको दे रहे हैं, मैं समझता हूँ इसका जवाब जनता देगी इनको 2024 के चुनाव में। नहीं तो दिनेश जी सनातन एक बड़ा इशू रहेगा बीजेपी के लिए 2024 में, इसका मतलब बीजेपी कोई इशू, बीजेपी तो अपने कार्य के आधार पर कर रही है काम, लेकिन अगर ये किसी प्रकार की चोट पहुंचाने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी क्या इसका जवाब तो भारत की जनता देगी।
और भारत के मतदाता देंगे चुनाव में, और इसके लिए इनको तैयार रहना पड़ेगा। पूरा देश आहत है इस प्रकार की शब्दावली से। ये तालिबान के आतंकवादी और ये पाकिस्तान के आतंकवादी, या पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन देश है वो भी सनातन संस्कृति के बारे में इस प्रकार की भाषा को नहीं बोलता। मुझे अफसोस है कि ऐसी भाषा बोलने वालों के बारे में अभी तक का जो घटक दल है गवंडिया के, उन्होंने इस पर टिप्पणी क्यों नहीं करी? अगर वो गलत था तो उनको बोलना चाहिए था, और उन्होंने ना बोला, इसके मतलब उनकी अप्रत्यक्ष रूप में सहमति है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दिनेश शर्मा पूर्व डिप्टी सीएम है और अब राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं जो चुप्पी है कांग्रेस की, चुप्पी पर भी निशाना साधा कि कांग्रेस कभी खुलकर इस बात की खंडन नहीं कर रही है। जो स्टालिन का बयान आया, उनके बेटे का बयान आया, उसको लेकर तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि देखिए, एक सनातन का मुद्दा है वो 2024 में रहेगा, क्योंकि वो सनातन का अपमान कर रहे हैं। तो सनातन विवाद पर पहली बार बोले हैं पीएम मोदी, और सबसे बड़ी बात है कि अब तक बीजेपी के जो तमाम नेता थे वो हमला कर रहे थे, लेकिन पहली बार एक सभा में मध्य प्रदेश के बीना में उन्होंने ईडी गठबंधन नाम दिया। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने एक और बात कही, वो कही कि सनातन को समाप्त करना चाहता है ईडी अलायंस। ईडी अलायंस का उन्होंने जिक्र किया, देश को गुलामी में धकेलना चाहता है ईडी अलायंस, ये बात उन्होंने कही। एक नया नामकरण कर दिया है पीएम मोदी की तरफ से इंडिया गठबंधन का। दरअसल स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने एक बयान दिया, उसकी बाद ये पूरा सियासी बवाल मचा हुआ है, और उसी को लेकर बीजेपी अब पूरे गठबंधन को घेरने में लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार आज इस मुद्दे पर बोले। इससे पहले आपको बता दें कि तमाम जो नेता हैं, चाहे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, आपको याद होगा सीएम योगी ने भी इस पर बयान दिया था कि सनातन धर्म को कोई नहीं मिटा सकता, और जो सनातन धर्म को मिटाने की सोचता है वो एक तुच्छ सोच रखता है। और प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के नेता हैं। प्रमोद जी बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद जी, सनातन धर्म को समाप्त करना चाहता है इंडी गठबंधन, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है। आज चुनाव के प्रचार में जब आप जाएं प्रधानमंत्री जी, तो पिछले पौने 10 साल में आपने कुछ जनता के लिए क्या क्या आपको बोलने की थी, जो दिया कि नहीं दिया, आज आपको बताना कि जी। प्रमोद जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। प्रमोद तिवारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सांसद में सनातन को समाप्त करना चाहते हैं इंडिया गठबंधन, पीएम मोदी ने कहा। तो नया नाम करण कर दिया गया, पीएम मोदी ने एक बार फिर सुनाते हैं, पीएम मोदी ने क्या कहा है एक बार दर्शकों को वो बयान सुनाते हैं, और तमाम नेताओं के जो रिएक्शन आ रहे हैं वो भी हम सुनाएंगे। पहले सुनिए एक बार किस तरह हमला बोला। एक तरफ आज का भारत दुनिया को जोड़ने का सामर्थ्य दिखा रहा है, दुनिया के मंचों पर ये हमारा भारत विश्व मित्र के रूप में सामने आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे दल भी हैं जो देश को, समाज को विभाजित करने में जुटे हैं।